इसराइल में भारत का ऑपरेशन अजय शुरू। 2212 भारतीयों को लेकर पहला विमान स्वदेश लौटा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वागत किया। इसराइल में 18,000 भारतीय फंसे। मोदी सरकार ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल में रह रहे भारतीय छात्र, श्रमिक, व्यापारियों का एयरलिफ्ट कर रही है। इसराइल में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला खुद तेल अवीव एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। उनकी देखरेख में भारतीय छात्र, श्रमिक, बिजनेस प्रोफेशनल्स को स्वदेश रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद है। पीएम मोदी 14 अक्टूबर को मुंबई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की 141वीं सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर IOC चेयरमैन थॉमस बाक सहित दूसरे सदस्य मौजूद रहेंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। मंगलवार को 5 दिनों के लिए बढ़ी संजय की रिमांड, आज खत्म हो रही है। 4 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोयिनपल्ली की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में शरद उद्धव गुट की दायर याचिका पर सुनवाई। शिंदे अजीत पवार गुट के बागियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की अपील। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पीकर से फैसले की समय सीमा को लेकर सवाल किया था। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वजू खाने को खोलने, कथित शिवलिंग के सर्वे और श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा से जुड़ी याचिका की वैधता को लेकर दायर है याचिकाएं। दिल्ली हाईकोर्ट में न्यूज क्लिक के मालिक प्रबीर पुरकायस्थ और HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनाएगा फैसला। UAPA के तहत दोनों की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड हाईकोर्ट में ED के समन के खिलाफ CM हेमंत सोरेन की दायर याचिका पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में बिना कोई केस दर्ज हुए नोटिस भेजे जाने को गलत बताया गया था। बिहार के रघुनाथपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुई नॉर्थ ईस्ट की यात्रियों को लेकर विशेष ट्रेन देर रात गुवाहाटी पहुंची। मंगलवार रात हुई दुर्घटना में 21 बोगियां डिरेल हुई थी, 4 यात्रियों की मौत हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से करेंगे मुलाकात। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से भी मौजूदा हालात पर बातचीत करेंगे ब्लिंकन। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने व्हाट्सएप और फेसबुक की कंपनी मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सुंदर पिचाई को खत लिखा। देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और विपक्षी दलों के साथ भेदभाव का आरोप। कांग्रेस मुख्यालय में हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। पितृपक्ष खत्म होने के बाद जारी होगी पहली लिस्ट। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की आज फिर बैठक। आज मध्य प्रदेश और तेलंगाना चुनाव और पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। इस बात की जानकारी पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल ने दी। राजस्थान कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की आज अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में 5 बजे बैठक। शनिवार को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला शुक्रवार से राजस्थान में जनसंकल्प यात्रा शुरू करेंगे। रोड शो के जरिए स्थानीय लोगों से होंगे रूबरू। छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। छत्तीसगढ़ में पहले चरण, मिजोरम चुनाव के लिए मतदान 7 नवंबर को होना है। यूपी CM योगी का आज एक दिवसीय अमेठी दौरा। जिले को 600 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को देंगे पुरस्कार। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को 3री लिस्ट जारी की। मध्य प्रदेश के मंडला में प्रियंका गांधी ने बयान दिया, बीजेपी ने लोगों के सारे अधिकार छीने, आदिवासी लोगों की जमीन छीनी गई। राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ सीट पर 2 सगे भाइयों के बीच चुनावी टक्कर। सुभाष मेहरिया बीजेपी और नंदकिशोर मेहरिया JJP के उम्मीदवार। गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई। एस जयशंकर को वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। PM मोदी ने पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। जोलिंगकोंग इलाके में व्यू पॉइंट से दिखता है कैलाश पर्वत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के भारत मंडपम में शहर से समृद्धि कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। MNS की मुंबई में प्रवेश करने वाले टोल नाकों सहित राज्य के कुछ टोल नाकों को बंद करने की मांग। मामले में CM एकनाथ शिंदे से मिले MNS चीफ राज ठाकरे।
लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन, बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया, भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को श्री भूमि सपोर्टिंग क्लब की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरियाणा के किसानों के साथ करेंगे डिनर, नए संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति 50 किसानों के साथ रात्रि भोज करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी उत्तराखंड पहुंचे, मुकेश अंबानी ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की, अंबानी ने दोनों धामों को 2.5 करोड़ का दान भी दिया। इसराइल और हमास के हालात पे एमईए का बयान, युद्ध में तेजी से बदल रहे हैं हालात, हम भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सतर्क, हमास के हमलों को आतंकी हमला मानता है भारत। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच दुनिया के दूसरे देशों से इसराइली नागरिक और सैनिक पहुंचने लगे हैं, तेल अवीव एयरपोर्ट पे लोगों ने नाच गाकर इसराइली नागरिकों का वेलकम किया। इसराइल के तेल अवीव में हमास के बंधक बने लोगों को छुड़ाने की मांग तेज हो गई है, लोगों ने बंधक बने लोगों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की मांग की है। इसराइल में लापता ब्रिटिश नागरिकों के पोस्टर लंदन की सड़कों पर चस्पा किए गए, गुरुवार को दो मुस्लिम महिलाओं को इन पोस्टों को नोचकर फेंकते देखा गया। मुंबई में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने सोने की तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया, 5 महिला सहित 8 लोग गिरफ्तार, DRI की टीम ने छापेमारी का 2.1 किलोग्राम सोना और करीब 6.5 करोड़ रुपए जब्त किए। जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर मॉड्यूल का नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया, पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 30 किलोग्राम कोकीन, 5 करोड़ रुपए की नकदी, 40 नकली वाहन, नंबर प्लेट, पासपोर्ट और जर्मन निर्मित रिवॉल्वर बरामद की गई। यूपी के लखनऊ में ATS को बड़ी सफलता मिली है, जाली दस्तावेजों के जरिए मानव तस्करी कराने वाले सिंडिकेट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद नेतन्याहू का बयान, कोई भी देश हमास की मदद ना करे, मानवता का दुश्मन है हमास। इजरायली PM नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया, कहा हमास का नामो निशान मिटा देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि आतंकियों ने इजरायली महिलाओं से रेप किया, लड़कों को गोली मारी, बच्चों की हत्या की, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजरायल के साथ खुलकर खड़ा हुआ US, जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी दी, कहा कोई देश बीच में ना आए वरना अंजाम भुगतना होगा। जो बाइडेन ने अमेरिका में रह रहे यहूदी नेताओं से मुलाकात की, कहा प्रलय के बाद यहूदियों के लिए सबसे घातक दिन था, हम इजरायल के साथ मिलकर काम करेंगे। गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, CM ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। त्रिपुरा के CM मणिक साहा ने अगरतला में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2023 में हिस्सा लिया, CM मणिक साहा ने कहा कि ये त्रिपुरा के युवाओं के लिए खेल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कटरा पहुंची, राष्ट्रपति के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद, माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, स्काई वॉक का लोकार्पण किया। राष्ट्रपति मुर्मू बैटरी कार से पहुंची माता के दरबार, मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। 15 करोड़ की लागत से तैयार स्काई वॉक फ्लाईओवर के प्रवेश द्वार पर बनाई गई करीब 60 फीट लंबी कृत्रिम गुफा, स्काई वॉक पे चलते हुए भक्त मां के दरबार दर्शन के साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य को निहार सकेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 22 जनवरी के लिए विशेष अपील, अपील में कहा गया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को संवैधानिक प्रोटोकॉल वाले लोग नाएं अयोध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देशभर में लोगों तक पूजित अक्षत पहुंचने के लिए 45 प्रांतीय यूनिट बनी, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पूजित अक्षत और स्थानीय भाषा का पत्रक मंदिर घर घर पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा मेंस एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए नॉमिनेट, वर्ल्ड एथलेटिक्स एसोसिएशन ने नामित किया। वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रनों से हराया, 312 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम, 177 पर ऑल आउट। साउथ अफ्रीका की जीत के हीरो रबाडा रहे, उन्होंने 3 विकेट झटके, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की यह दूसरी हार है। न्यूजीलैंड बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का आज 11वां मैच चेन्नई के MH चिदंबरम स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा मैच।
भारत और पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को होने वाले महामुकाबले की तैयारी पूरी। प्रशंसक भी दोनों देशों के झंडे अपने शरीर पर बनाते हुए नजर आए। दिल्ली के डिजाइनर शोरूम में बड़ी चोरी की वारदात। 25 लाख के डिजाइनर कपड़े लेकर फरार हुआ चोर। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। छतरपुर के धनमिल इलाके में दिल्ली के तमाम बड़े फैशन डिजाइनर का शोरूम है। डिजाइनर सोनिका छाबरा के शोरूम पर बीती रात दो चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच से पहले धमकी देने के मामले में राजकोट से आरोपी गिरफ्तार। भारत पाकिस्तान के मैच से पहले आरोपी ने बीसीसीआई को धमकी भरा ईमेल भेजा था। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने राजकोट से करण दरियाब नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। ईमेल को ट्रैक करके पुलिस आरोपी तक पहुंची। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 से दबंग खान का न्यू लुक रिलीज हुआ। सलमान खान ने पोस्टर रिलीज करते हुए लिखा, टाइगर आ रहा है। फिल्म का ट्रेलर 16 अक्टूबर को रिलीज होगा। साउथ सुपरस्टार प्रभास और दीपिका पादुकोण की फिल्म कल्कि से अमिताभ बच्चन का न्यू लुक रिलीज हुआ। पोस्टर में अमिताभ बच्चन पहाड़ों के बीच सफेद पहाड़ों में दिखाई दिए। 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे पर देश भर में लगभग सभी सिनेमाघरों में 99 रुपए की मिलेगी टिकट। पीवीआर ने ट्वीट कर फूड आइटम्स पे भारी छूट दी। पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और कॉफी का प्राइस सिर्फ 99 रुपए से शुरू होगा। शाहिद कपूर ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपनी वेब सीरीज फर्जी 2 को कंफर्म किया। फिल्म में एक बार फिर शाहिद नकली नोटों की तस्करी वाले रोल में नजर आएंगे।